से पंकज हमारे साथ हैं। पंकज जी नमस्कार, आपके पास कौन से शेयर हैं? पंकज आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी सर, अपना सर सवाल पूछिए। सर मेरे पास सर गेल का 500 शेयर है, गेल इंडिया का। एट द प्राइस ऑफ 95 मैंने बाय किया था। जी ये तो पिछले 3-4 दिन से 110 से नीचे गिर रहा है, तो मेरा थोड़ा वही इन जानकारी जानना चाहिए था। ठीक है, गेल वैसे स्लो मूवर है रवि, और हमने पिछले कई साल में देखा है कि 110 वाला जो इसका भाव है, अब वहाँ पर बार बार सप्लाई आ जाती है, वहाँ से शेयर ही फिसल जाता है। हालांकि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है गेल को लेकर, इंटीग्रेटेड टैरिफ का ऐलान किया है PNGRB ने, जो कि पिछले भाव से करीब 30% ज़्यादा है। और आज हम कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, उनका भी ये कहना है कि करीब करीब उनकी आय में 1500 करोड़ रुपये के आसपास का इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, वो बढ़ जाएगा। आप ये बताइए कि गेल इस खबर के आधार पर आज शेयर तो रिएक्शन कुछ खास नहीं दे रहा है, कल के आखिरी घंटे में ये जब खबर आ गई थी पॉजिटिव रिएक्शन आया था अचानक से, लेकिन शेयर ने अपनी तेजी गंवा दी थी। आपका क्या व्यू है? 104 रुपये के आसपास है, यहाँ से तेजी की उम्मीद करनी चाहिए गेल में? मुझे ऐसा लगता है ये पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर थोड़ा का हाई बनाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन जरूर देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि 100 के स्टॉप लॉस से पहले तो कंटिन्यू रखना चाहिए। दूसरा, ये जो गेल, इंडियन ऑयल, ये सारे स्टॉक्स हैं, ये लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं, इन पे आप जो है वो शॉर्ट टू शॉर्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप देखिए 10% की डिविडेंड यील्ड वाला एक अकेला स्टॉक है जो कि गेल यहाँ पर अपने उस पर फिट बैठता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म प्ले के लिए गेल, IOC और इस टाइप के स्टॉक्स ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जो नंबर्स पॉजिटिव हैं, जो न्यूज यहाँ पर पॉजिटिव है, उसकी वजह से 100 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। इनफैक्ट आज की अगर बाय कॉल पूछे तो मैं कहूंगा कि गेल को जरूर बाय करके रखिए। 110 के टारगेट और 108 के टारगेट आपको जल्द अचीव होते हुए मिल सकते हैं 100 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, जहाँ पे चल रहा है ना, वहाँ से रवि जी ने आपके लिए 500 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस दिया और 500 रुपये ऊपर का टारगेट दिया है। ठीक है, 100 का आपका स्टॉप लॉस हो गया, ट्रेलिंग कट जाएगा तब भी फायदे में हो, क्योंकि 95 की आपकी खरीद है। 110 लग गए तो 500 रुपये और बढ़ जाएंगे। कुल मिला के आपका सौदा सही हाथ में, ग्रिप है आपके पास,